New channel of Parliament House is going to launch. कार्यक्रम स्थल से सीधी तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद हैं। माननीय उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति श्री एम वेंकैया नायडू, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति माननीय श्री हरिवंश और इस सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूं। सबसे पहले मैं संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री रवि कपूर जी को स्वागत संबोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। नमस्कार माननीय उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी, राज्यसभा के माननीय उपसभापति जी, माननीय मंत्रीगण, संसदीय समितियों के माननीय सभापतिगण, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेतागण, विशिष्ट अतिथिगण, वरिष्ठ सहयोगियों और साथियों, मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज संसद टीवी की शुभारंभ के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना हम सभी के लिए एक गौरव की बात है। संसद टीवी के गठन की प्रक्रिया आज से लगभग 2.5 वर्ष पहले प्रारंभ हुई। सूर्य प्रकाश जी की समिति की सिफारिशों के आधार पर आज संसद टीवी आकार ले रहा है। इसके साथ ही विलय की प्रक्रिया पूरी हो गई। इस पूरी प्रक्रिया में माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का जो मार्गदर्शन मिला उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। चैनलों के एकीकरण और संसद टीवी के गठन से संसदीय कार्रवाई के प्रसारण का काम अब और प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा। इसके अलावा चैनल के कार्यक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी, साथ ही चैनलों के बजट में 25वीं सदी से अधिक की बचत भी हो सकेगी। हमने संसद टेलीविजन पर छोटे बड़े लगभग 60 नए कार्यक्रमों के प्रसारण की योजना बनाई है। इन कार्यक्रमों का मुख्य आधार संसद, संसदीय प्रणाली, विधानसभाएं, स्थानीय स्तर पर काम कर रही लोकतांत्रिक संस्थाएं और विभिन्न देशों में लोकतंत्र की व्यवस्थाएं। इनके अलावा कला, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, धर्म, दर्शन, योजनाएं, अर्थनीति से जुड़े कार्यक्रमों की एक लंबी सूची है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य अपने देश के आमजन और विशेषकर ऊर्जावान युवकों को संसदीय गणतंत्र के प्रति जागरूक करना है और देश की समृद्ध संस्कृति से जुड़ना है। हमारा ये भी प्रयास है कि संसद टीवी की दुनिया भर में रह रहे भारतवंशी के लिए भारत से जुड़ाव का एक ये मंच बने। संसद टीवी के शुभारंभ समारोह में एक बार मैं पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद श्री रवि कपूर जी। और अब मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी से अनुरोध करूंगी कि वो इस अवसर पर अपना संबोधन दें। माननीय उपराष्ट्रपति जी, राज्यसभा के सभापति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण, सभी दल के नेतागण, माननीय सदस्यगण, प्रबुद्ध जन, भाइयों और बहनों, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारी संसद का ऐतिहासिक दिन है जब लोकसभा और राज्यसभा के दोनों चैनलों को एकीकृत कर संसद टीवी के रूप में देश की जनता को समर्पित किया जा रहा है। इस अवसर पर मैं माननीय उपराष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। आज पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मना रहा है। दुनिया में लोकतंत्र को ही शासन चलाने की सर्वोत्तम पद्धति माना गया है। भारत में लोकतंत्र प्राचीन काल से ही हमारे जीवन और कार्यशैली का हिस्सा रहा है। एक लंबे
संघर्ष तथा स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान से हमें आज़ादी मिली। हमारे देश में लोकतंत्र की यात्रा सजीव जीवंत रही है। इस सफर में हमने लोकतंत्र को और सशक्त किया है और मजबूत किया है तथा देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में भी परिवर्तन लाए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, जिसके उपलक्ष में देश भर में हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। राष्ट्रीय गौरव के ऐसे क्षण में आज संसद टीवी का शुभारंभ बहुत खुशी का मौका है। वर्ष 1989 में पहली बार संसद के केंद्रीय कक्ष में तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति महोदय का उद्बोधन टेलीविजन के माध्यम से किया गया था। इसके बाद समय के साथ प्रसारण का दायरा बढ़ता गया। वर्ष 2006 में लोकसभा तथा वर्ष 2011 में राज्यसभा टीवी के रूप में दो अलग चैनल के रूप में इसकी शुरुआत हुई। चैनल अपना काम प्रभावी ढंग से करे, उसी उद्देश्य से आज दोनों चैनलों को एकीकृत कर संसद टीवी का स्वरूप ग्रहण कर रहे हैं। ये भी एक सुखद संयोग है कि आज से 62 वर्ष पूर्व आज के दिन ही 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन की भी शुरुआत हुई थी। मुझे पूरा विश्वास है कि अपने नए रूप में संसद टीवी संसद और जनता के बीच संवाद स्थापित करने में अधिक प्रभावशाली भूमिका निभाएगी। दोनों चैनलों के विलय से संसदानों का बेहतर उपयोग होगा तथा हम उत्कृष्ट कार्यक्रमों का प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित कर पाएंगे। संसद टीवी देश का एकमात्र ऐसा चैनल होगा जिसके माध्यम से देश के नागरिकों को ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली तथा जनप्रतिनिधि की भूमिका से परिचित कराने का कार्य भी होगा। ये चैनल राजनीति और नीतिगत घटनाओं पर सटीक जानकारी देगा, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन को प्रमाणिक जानकारी के साथ प्रस्तुत करेगा। यहाँ देश की सांस्कृतिक विविधता की झलक भी दिखेगी तो समृद्ध गौरवशाली इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, लोकतंत्र की यात्रा के अनुभव तथा ग्रामीण भारत के विकास के सकारात्मक पहलू को भी दर्शाया जाएगा। संसद टीवी के माध्यम से हम देश में पारदर्शी और जवाबदेही लोकतंत्र, संसद तथा संसदीय समितियां तथा विभिन्न संस्थाओं के बारे में पूरे विश्व में जानकारी साझा कर पाएंगे। ये चैनल हमारे जनप्रतिनिधियों के सकारात्मक और प्रेरणादायक कार्य को प्रकाश में लाएगा, जिससे अन्य जनप्रतिनिधि और आम जन प्रेरणा ले सके। चैनल के जरिए देश विदेश के विशिष्ट महान भावों के अनुभव, ज्ञान और विचार को भी जानने का अवसर सबको मिलेगा। संसद टीवी दूर दराज के क्षेत्रों में निवास कर रहे लोगों के अभाव को दिखाएगा तो दुर्गम क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाले व्यक्तियों के बारे में भी जानकारी देगा। आज हमारे देश की बहुसंख्यक आबादी युवा है। चैनल के माध्यम से हमारा प्रयास होगा कि हमारे युवा संसदीय गणतंत्र और उसकी कार्यप्रणाली के प्रति जागरूक हो, संविधान को जाने, अपने कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति सचेत हो। हमारे युवा देश की समृद्ध संस्कृति और गौरवशाली अतीत से भी परिचित हो, हमारा यह भी प्रयास होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है संसद टीवी राष्ट्रीय हितों से जुड़े मुद्दों और घटनाओं को पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ दर्शाने का एक बेस्ट चैनल होगा और अपनी पहचान भी स्थापित करेगा। और जागरूकता, जानकारी और जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए
जनतंत्र को और सशक्त बनाएगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी। और अब वो घड़ी आ गई है जिसकी हम सब प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं विशिष्ट अतिथियों, माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगी कि वो रिमोट का बटन दबाकर लोगों के अनावरण के साथ संसद टीवी का शुभारंभ करें। संसद टीवी विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के जन जन को समर्पित है, जिसका शुभारंभ आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हो रहा है। लोकतंत्र के मंदिर हमारी संसद की श्रेष्ठ परंपराओं को बढ़ावा देता ये प्रयास अपने पूर्ववर्ती लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी के विलय से हो रही एक नवीन शुरुआत है। संसद टीवी देश के नागरिकों तक संसदीय गतिविधियों और महत्वपूर्ण जानकारियों को प्रभावी तरीके से पहुंचाएगा, साथ ही अपने एकीकृत स्वरूप में संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करेगा। इससे जहां एक ओर गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा, वहीं दूसरी ओर खर्च में भी कमी आएगी। नए कार्यक्रमों की श्रृंखला लोगों को देश के सामूहिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक पहलुओं से रूबरू कराएगी तो देश की विकास यात्रा से लेकर विश्व परिदृश्य की जानकारियों से भी जोड़ेगी। एक नजर संसद टीवी के कार्यक्रमों पर। संसद में आज सदन में उस दिन के एजेंडे की पूरी जानकारी देगा। वहीं हाउस हाइलाइट्स कार्यक्रम संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही के प्रमुख अंशों को दिखाएगा। एकम सत सीरीज के माध्यम से आपको बताएंगे कि कैसे तमाम धर्मों में निहित कड़ियां उन्हें आपस में जोड़ती है। बदलते भारत के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेगा ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। वहीं इकोनॉमिक सूत्र के माध्यम से हम जानेंगे कि सरकार की नीतियां क्यों और कैसे बनाई जाती है। टू द पॉइंट आपको रूबरू कराएगा देश के मशहूर शख्सियतों से। देश की सामरिक, आंतरिक सुरक्षा नीतियों और मुद्दों को सरल भाषा में प्रस्तुत करेगा द डिफेंडर्स। हमारी समृद्ध विरासत और दर्शन की गहराइयों से परिचय कराएगा कार्यक्रम इतिहास। महिला सांसदों के संघर्ष और व्यक्तित्व से आप रूबरू हो सकेंगे मेरी कहानी में। हम आपको देश के कुछ युवा उद्यमियों से मिलवाएंगे इंडिया स्टार्टअप्स जर्नी में। संसद टीवी ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कार्यक्रमों की श्रृंखला तैयार की। अमर क्रांति गाथा, ये भी नायक, 75 माइलस्टोन्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, द चेंज मेकर्स और 75 लॉज दैट शेप्ड इंडिया, कुछ ऐसे ही कार्यक्रम हैं। असेंबली डिबेट्स, विधानसभाओं में बहस और चर्चा में आए उन मुद्दों को दिखाएगा जिनका राष्ट्रीय स्तर पर भी असर रहा। आपके सांसद में विस्तार से दिखाएंगे सांसदों के जीवन से जुड़े हर पहलू को। संसद टीवी के गुलदस्ते में देश के इतिहास और हमारी कला संस्कृति से जुड़े हर तरह के फूल मौजूद होंगे। सप्ताह भर की सांस्कृतिक गतिविधियों को समेटेगा हमारा कार्यक्रम वाइब्रेंट भारत। अभिव्यक्ति में कला की बारीकियों को समझाएंगे कला जगत के महान लोग। हेल्दी इंडिया आपको बीमारियों से निपटने की उचित सलाह देगा। कृषि क्षेत्र में हो रहे प्रयोगों और उपलब्धियों पर संसद टीवी की अनूठी पहल होगी स्मार्ट खेती। देश और दुनिया में दिन भर की गतिविधियों की जानकारी भी संसद टीवी देता रहेगा। विज्ञान और तकनीक की दुनिया में हो रहे नित नई खोजों से आपको अवगत कराएगा आर्ट ऑफ साइंस। दूसरे देशों की संसद में कौन से प्रमुख मुद्दे गूंज रहे हैं और दूसरे लोकतंत्र में कौन सी चर्चा गर्म है, इससे भी रूबरू कराएगा संसद टीवी। हमारी शॉर्ट वीडियो सीरीज तो आपके ज्ञान वर्धन का प्रमुख स्रोत बनने जा रही है। आप सभी की शुभकामनाओं के साथ उम्मीद है संसद टीवी का ये प्रयास देश में लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करेगा। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करूंगी कि वो इस अवसर पर अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करें।
नमस्कार। कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित राज्यसभा के माननीय सभापति और देश के उपराष्ट्रपति आदरणीय वेंकैया नायडू जी, लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्रीमान ओम बिरला जी, राज्यसभा के माननीय उपसभापति श्री हरिवंश जी, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेतागण, यहाँ उपस्थित अन्य महानुभाव देवी और सज्जनों, आज का दिन हमारी संसदीय व्यवस्था में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ रहा है। आज देश को संसदीय टीवी के रूप में संचार और संवाद का एक ऐसा माध्यम मिल रहा है जो देश के लोकतंत्र और जनप्रतिनिधियों की नई आवाज के रूप में काम करेगा। मैं आप सभी को, इस विचार को साकार करने वाली पूरी टीम को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। जैसे अभी हमारे स्पीकर साहब ने बताया, आज दूरदर्शन की स्थापना के भी 62 वर्ष पूरे हुए हैं। ये बहुत लंबी यात्रा है। इस यात्रा को सफल बनाने में अनेकों लोगों का योगदान रहा है। मैं दूरदर्शन के संचालन से जुड़े सभी लोगों को भी बधाई देता हूं। साथियों, तेजी से बदलते समय में मीडिया और टीवी चैनल्स की भूमिका भी बहुत तेजी से बदल रही है। 21वीं सदी तो विशेष रूप से संचार और संवाद के जरिए रिवॉल्यूशन ला रही है। ऐसे में यह स्वाभाविक हो जाता है कि हमारी संसद से जुड़े चैनल भी इन आधुनिक व्यवस्थाओं के हिसाब से खुद को ट्रांसफॉर्म करें। मुझे खुशी है कि संसद टीवी के तौर पर आज एक नई शुरुआत हो रही है। मुझे ये भी बताया गया है कि अपने नए अवतार में संसद टीवी सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी रहेगा और इसका अपना ऐप भी होगा। इससे हमारा संसदीय संवाद न केवल आधुनिक टेक्नोलॉजी से जुड़ेगा बल्कि आम जन तक उसकी पहुंच भी बढ़ेगी। आज ये सुखद संयोग भी है कि 15 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मनाया जाता है और बात जब लोकतंत्र की होती है तो भारत की जिम्मेदारी कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। भारत लोकतंत्र की जननी है। इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। भारत के लिए लोकतंत्र केवल एक व्यवस्था नहीं है, एक विचार है। भारत में लोकतंत्र सिर्फ संवैधानिक स्ट्रक्चर ही नहीं है बल्कि वो एक स्पिरिट है। भारत में लोकतंत्र सिर्फ संविधानों की धाराओं का संग्रह ही नहीं है, ये तो हमारी जीवन धारा है। इसलिए इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, इस दिन संसद टीवी का लॉन्च होना अपने आप में बहुत प्रासंगिक हो जाता है। वैसे भारत में हम सभी आज इंजीनियर्स डे भी मना रहे हैं। एम विश्वेश्वरैया जी की जन्म जयंती पर ये पावन दिन भारत के मेहनती और कुशल इंजीनियर्स को समर्पित है। टीवी की दुनिया में तो ओबी इंजीनियर, साउंड इंजीनियर, ग्राफिक्स डिजाइनिंग से जुड़े लोग, पैनल संभालने वाले लोग, स्टूडियो डायरेक्टर्स, कैमरामैन, वीडियो एडिटर्स,
कितने ही प्रोफेशनल्स ब्रॉडकास्ट को संभव बनाते हैं। आज मैं संसद टीवी के साथ ही देश के सभी टीवी चैनलों में काम करने वाले इंजीनियर्स को भी विशेष रूप से बधाई देता हूं। साथियों, आज जब देश अपनी आजादी के 75 साल मना रहा है तो हमारे सामने अतीत का गौरव भी है और भविष्य का संकल्प भी है। इन दोनों ही क्षेत्रों में मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। मीडिया जब किसी विषय को उठाता है, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, तो वो और तेजी से जन जन तक पहुंचाता है। आजादी के अमृत महोत्सव में देशवासियों के प्रयासों को प्रचारित प्रसारित करने का कार्य मीडिया बखूबी कर सकता है। उदाहरण के तौर पर टीवी चैनल्स स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े 75 एपिसोड प्लान कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बना सकते हैं। अखबार अमृत महोत्सव से जुड़ी परिशिष्ट प्रकाशित कर सकते हैं। डिजिटल मीडिया क्विज कंपटीशन जैसे आइडियाज के जरिए युवाओं को सीधे जोड़ सकते हैं। मुझे बताया गया है कि संसद टीवी की टीम ने इस दिशा में कई प्रोग्राम प्लान भी किए हैं। ये प्रोग्राम्स अमृत महोत्सव की भावना को जन जन तक पहुंचाने में काफी मदद करेंगे। साथियों, आप सब कम्युनिकेशन फील्ड के क्रिएटिव लोग हैं। आप लोग अक्सर कहते हैं कि कंटेंट इज किंग। मैं आप लोगों से अपने अनुभव की एक और बात कहना चाहता हूं। मेरा अनुभव है कि कंटेंट इज कनेक्ट, यानी जब आपके पास बेहतर कनेक्ट होगा, बेहतर कंटेंट होगा, तो लोग खुद ही आपके साथ जुड़ते जाते हैं। ये बात जितनी मीडिया पर लागू होती है उतनी ही हमारी संसदीय व्यवस्था पर भी लागू होती है, क्योंकि संसद में सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, पॉलिसी भी है। एक्चुअली तो पॉलिसी ही है। हमारी संसद में जब सत्र होता है, अलग अलग विषयों पर बहस होती है, तो युवाओं के लिए कितना कुछ जानने सीखने के लिए होता है। हमारे माननीय सदस्यों को भी जब पता होता है कि देश हमें देख रहा है, तो उन्हें भी संसद के भीतर बेहतर आचरण की, बेहतर बहस की प्रेरणा भी मिलती है। इससे पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है और जनहित के कामों को पॉपुलैरिटी भी मिलती है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि सदन की कार्यवाही से आम जन कनेक्ट करे। भले ही हो देश के किसी भी कोने में हो, सदन की गतिविधियों का हिस्सा बने। ऐसे में संसद टीवी को भी अपने कार्यक्रमों का चुनाव लोगों की, खासकर युवाओं की रुचियों के आधार पर करना ही पड़ेगा। इसके लिए भाषा पर ध्यान देना होगा। इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग पैकेज और प्रोग्राम ये अनिवार्य हो जाएंगे, जैसे कि संसद में हुए ऐतिहासिक भाषण लिए जा सकते हैं। सार्थक और तार्किक बहस के साथ साथ कभी कभार कुछ मजाकिया क्षणों को भी दिखाया जा सकता है। अलग अलग सांसदों के बारे में जानकारी दी जा सकती है, ताकि जनता उनके कामों का तुलनात्मक विश्लेषण कर सके। कई सांसदगण अलग अलग क्षेत्र में कई सराहनीय काम भी कर रहे हैं। उनके इन प्रयासों को आप देश के सामने रखेंगे तो उनका भी उत्साह बढ़ेगा और दूसरे जनप्रतिनिधियों को भी सकारात्मक राजनीतिक प्रेरणा मिलेगी। साथियों, एक और महत्वपूर्ण विषय जो हम अमृत महोत्सव में उठा सकते हैं वो है हमारा संविधान
और नागरिक कर्तव्य, देश के नागरिकों के कर्तव्य क्या है, इसे लेकर निरंतर जागरूकता की जरूरत है और मीडिया इस जागरूकता के लिए एक प्रभावी माध्यम है। मुझे बताया गया है कि संसद टीवी इस तरह के कई प्रोग्राम लेकर आ रहा है। इन प्रोग्राम से हमारे युवाओं, हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में, उनकी कार्यप्रणाली के साथ ही नागरिक कर्तव्यों के बारे में काफी कुछ सीखने को मिलेगा। इसी तरह वर्किंग कमेटियां, लेजिस्लेटिव वर्क के महत्व और विधानसभाओं के कामकाज के बारे में ऐसी बहुत सी जानकारी मिलेगी जो भारत के लोकतंत्र को गहराई से समझने में मदद करेगी। मुझे उम्मीद है संसद टीवी में जमीनी लोकतंत्र के रूप में काम करने वाली पंचायतों पर भी प्रोग्राम बनाए जाएंगे। ये प्रोग्राम्स भारत के लोकतंत्र को एक नई ऊर्जा देंगे, एक नई चेतना देंगे। साथियों, हमारी संसद, अलग अलग राजनीतिक दल, हमारी मीडिया, हमारे संस्थान, सबके अपने अलग अलग कार्यक्षेत्र है, लेकिन देश के संकल्पों की पूर्ति के लिए सबके प्रयास की जरूरत है, एकजुट प्रयास की जरूरत है। मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब अपनी अलग अलग भूमिकाओं में साझा संकल्पों को लेकर आगे बढ़ेंगे और एक नए भारत का सपना पूरा करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं भाई रवि कपूर को भी बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ये उनका कार्यक्षेत्र नहीं है, लेकिन पिछले कुछ समय में ही उन्होंने जिस प्रकार से दुनिया भर के लोगों से कंसल्ट किया, उनसे मार्गदर्शन लिया, आइडिया लिए, और जिस प्रकार से उन्होंने रचना की, एक बार मुझे जब वो बताने आए थे, मैं सचमुच में बहुत प्रभावित हुआ था। मैं रवि को और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं। आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और अब मैं माननीय उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति श्री एम वेंकैया नायडू जी से आग्रह करूंगी कि इस अवसर पर वो अपने विचार हमारे साथ साझा करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, राज्यसभा का उपसभापति हरिवंश जी, सम्मानित मंत्रीगण, और राज्यसभा लोकसभा में विभिन्न दलों का नेतागण, सम्मानित मंत्रीगण और सदस्यगण, लोकसभा के महासचिव, राज्यसभा के महासचिव और संसद टीवी के मुख्य कार्य अध्यक्ष अधिकारी, दोनों सदनों के सचिवालयों की वरिष्ठ अधिकारीगण, मीडिया के मित्रों, सम्मानित अतिथिगण, मुझे खुशी है कि आज संसद टीवी के शुभारंभ के इस अवसर पर आप सभी को बीच उपस्थित होकर मुझे मन में बहुत प्रसन्नता हो रही है। वी हर्ड द हिंदी स्पीचेस अबाउट द स्पीकर एंड द प्राइम मिनिस्टर। आई विल ट्राई टू मेक few points in English. A single channel for the parliament has become a reality after a careful consideration of the recommendations of the committee set up in November 2019. Much thought and preparation has gone into the merger of Lok Sabha television and Rajya Sabha television. The Lok Sabha TV has been functioning for 15 years.
and Rajya Sabha TV for 10 years, providing live coverage of the proceedings of the respective houses as well as other informative programs to the people. The new combined channel is expected to bring in synergy and economies of scale as well as provide a window to the vibrant democracy that India is. It is significant that the Sansad TV Parliament channel is being launched today to coincide with the International Day of Democracy. We are one of the oldest democracies. We are the most vibrant parliamentary democracy in the world. This event symbolically highlights the important linkages between media and democratic governance. It seeks to reinforce the vital connection between the parliamentary democracy and the creation of an aware, enlightened citizenry. What we are launching today is a bridge to authentic, meaningful communication between the people and their representatives. Authentic, meaningful. The expansion of media in our country, particularly the television, has been phenomenal. The recent emergence and rapid expansion of social media and digital media has added another dimension to real-time communication and sharing of information. Information with confirmation is more than nomination. I am sure that the parliamentary television will provide information with confirmation, and which is meaningful and constructive through its content. As Prime Minister have rightly said, content is the connect. With the speed and the compulsion to be first with breaking news, occasionally overriding all other considerations, we are confronted with the challenges of fake news and sensationalism. Sensationalism means senselessness. This has to be understood by one and all. Separating truth from falsehood has become a real challenge. However, we can legitimately be proud of our press, which has jealously preserved its freedom over these years and given people multiple viewpoints on issues that matter. You present multiple viewpoints and leave the judgment to the people. That is my advice to the media. If this approach is followed, it will greatly enrich our democratic traditions. We are proud of our country's democratic traditions, nurtured over many centuries, and the constitution we have inherited 7 decades ago. We, the people of India, have decided that the destiny of our free nation will be shaped by all of us collectively. Over the last 75 years, successive governments have worked towards establishing institutions that contribute to nation building. We have also made consistent efforts to improve the functioning of the existing pillars of democracy, namely the legislature, the judiciary, and the executive, as well as ensured that the fourth estate, the media, is given freedom to disseminate information and empower citizens to play their part as active participants. This year marks the beginning of the Azadi Ka Amrit Mahotsav, a celebration of 75 years of progress as independent India. We have quite a few things to be happy. We need to celebrate them. We have many challenges to face, and we are confident of facing them together collectively. We need to be conscious of these challenges, strengthening parliamentary democracy and ensuring fruits of development reach everyone, as well as empowering each citizen
to be an agent of positive transformation and key elements of future agenda. Building a new India of the dreams and vision of freedom fighters and the hopes and aspirations of the young India is a mission in progress. And this mission has to be pursued with passion for the sake of nation. We should not give any remission or do any omission so that with passion we can make the nation strong and stable. The Prime Minister has given a three-line mantra, simple. Reform, perform and transform. Transformation of the nation. Transforming the lives of the people. Making people happy. That is our mission. The present government led by Prime Minister Narendra Bhai has embarked on an ambitious development agenda and it seeks to improve the quality of the lives of the people. We have to make consistent efforts to fast track development, fast because aspirations are very high. And we must move towards resurgent, resilient India. And we have to build it together through dialogue that is possible and constructive action. Dialogue is very much necessary at every level. Parliament and legislatures have a key role to play. We need to have meaningful debates echoing people's aspirations. Meaningful. The loud disruptive noise should not be drown the voice of the people. What is required is voice, not the noise. This has to be understood by all concerned. The debate should amplify concerns, clarify doubts, and deepen shared understanding. Debates in the legislature throw up solutions to the problems, but disruptions only dissipate our collective energies and delay the task of building a new India. Timely flow of authentic information about the functioning of our legislatures and the elected representatives enhances accountability and transparency in the functioning of public institutions. This is what the Rajya Sabha TV and the Lok Sabha TV has been providing till now, and the Sansad Parliament TV will be offering from today. It is worth mentioning that the two existing channels have received excellent response from viewers. For example, Rajya Sabha TV had only 4.5 lakh YouTube subscribers in August 2017. Within these 4 years, it shot up to 60 lakhs, now marking a 1400% increase. Consequently, RSTV ranks among the top 8 channels. This clearly shows that India of this millennium is looking for positive and balanced reporting. Sansad Television has accordingly been conceived fully to meet the demand of growing number of viewers for a wide range of information and perspectives about the functioning of the parliament, the democratic and lawmaking process, laws being made from time to time, and all related issues of contemporary concern in an objective manner. Parliament is the heartbeat of our democracy, and media, the eyes and ears. We have to ensure both are in good health. Media should mean as means of empowerment. M means E, empowerment. D, development. Through informed actions by the citizens. That is the real meaning and objective of the media. I appreciate the past and present Secretary Generals, senior officials of both the secretariats, and the present CEO of Sansad TV for their efforts in making Sansad TV a reality. The CEO, after assuming charge, has met me a couple of times and he also had a detailed discussion with the Honorable Speaker and also other important functionaries. And
they have come out with this new channel, and I am convinced that it will meet the expectation of the people. I also appreciate the efforts of Dr. A. Surya Prakash, former chairman of Prasara Bharati and chairman of the committee on merger of both the channels, and members of the committee for their detailed examination of the issues and for suggesting a way forward. With these words, I am happy to have the privilege, along with the Prime Minister. In a democracy, Prime Minister is the leader, elected by the people. And both the presiding officers, the chairman of Rajya Sabha and the speaker of the Lok Sabha, coming together to inaugurate this Sunset TV and dedicate to the people of the country who are enriching our democracy with their thoughts, speech and actions every single day. So I am happy to join this. I wish that this new channel will be received by the people at large, and the channel will make all out efforts to strengthen democracy, particularly parliamentary democracy, by proper reporting and highlighting various aspects, including the contributions made by various members of the parliament, and also the experiences and examples of different parliaments across the globe, and also taking the information to our three-tier administration, the union government, central legislature, the state governments, assemblies, councils, and the local bodies, municipal corporations and panchayat raj. At all these levels, the democracy need to be strengthened, and I hope that Sunset TV will be paying enough attention to these aspects. And I wish you all the best. Thank you very much. Namaskar. Jai Hind. धन्यवाद माननीय उपराष्ट्रपति जी. अब मैं लोकसभा के महासचिव श्री उत्पल कुमार सिंह जी को धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी. भारत के माननीय उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति आदरणीय श्री एम वेंकैया नायडू जी, भारत के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, लोकसभा के माननीय अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम बिरला जी, आज यहाँ उपस्थित सभी माननीय केंद्रीय मंत्रीगण, राज्यसभा के माननीय उपसभापति आदरणीय श्री हरिवंश जी, संसदीय समितियों के सभी माननीय सभापतिगण, राज्यसभा एवं लोकसभा के संसदीय दलों के सभी सम्मानित अध्यक्ष, यहाँ उपस्थित राज्यसभा एवं लोकसभा के सभी माननीय सांसद, भारत सरकार के सचिवगण, राज्यसभा के महासचिव एवं उनके समस्त सहयोगी, संसद टीवी के सीईओ श्री रवि कपूर जी एवं उनके समस्त टीम के सहयोगी, लोकसभा के सभी अधिकारी कर्मचारीगण, आज यहाँ आमंत्रित विशिष्ट महानुभावों एवं देवियों, आप सभी को संसद परिसर में सादर नमस्कार. भारत में लोकतंत्र की जड़ें पुरातन एवं गहरी हैं. हमारे देश की मिट्टी लोकतांत्रिक मूल्यों एवं परंपराओं के लिए उर्वरक प्रदान करती आई है. इन लोकतांत्रिक मूल्यों को सिंचित रखने, उन्हें सामर्थ्य प्रदान करने तथा हमारी स्वस्थ संसदीय परंपराओं, संविधान आधारित कार्य पद्धति को देश एवं दुनिया के समक्ष रखने की दिशा में आज संसद टीवी का उद्घाटन एक महत्वपूर्ण कदम है. इस अवसर पर मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो इस परिकल्पना के प्रणेता एवं प्रेरणा स्रोत रहे हैं. आज उनकी उपस्थिति इस बात का सूचक है कि भारत जैसे जनतंत्र में मूल्यों, परंपराओं, मर्यादाओं, तथ्य आधारित विद्वतापूर्ण संवाद को आकर्षक तरीके से
जन सामान्य तक ले जाना कितना महत्वपूर्ण है। मैं माननीय उपराष्ट्रपति एवं सभापति राज्यसभा तथा लोकसभा के माननीय अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिनका उत्साहवर्धन एवं मार्गदर्शन से ही कुछ एक महीनों के अल्प समय में लोकसभा एवं राज्यसभा टीवी का विलय एवं एक नवीन स्वरूप में संसद टीवी का अवतरण संभव हो सका है। इस अवसर पर मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय केंद्रीय मंत्री महानुभावों का, संसदीय दलों के सम्मानित अध्यक्षों का, माननीय सांसदों का, जिनके सहयोग एवं सुझाव संसद टीवी टीम को निरंतर प्राप्त होते रहे हैं। मैं उन समस्त एंकर महानुभावों का जो संसद टीवी के विभिन्न आकर्षक प्रस्तुतियों को तैयार करने में अपना निरंतर सहयोग प्रदान करते रहे हैं को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं केंद्रीय मंत्रालयों के सचिवों का उनके निरंतर सहयोग के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं। इस मौके पर मैं राज्यसभा के पूर्व एवं वर्तमान महासचिवों तथा इन दोनों सचिवालयों के अधिकारी कर्मचारीगणों का संसद टीवी में योगदान को भी स्मरण करना चाहता हूं, जिनकी वजह से ही लोकसभा टीवी तथा राज्यसभा टीवी का विलय एवं स्टाफ, स्टूडियो तथा इक्विपमेंट आदि का युद्ध स्तर पर एकीकरण संभव हो सका। और अंत में मैं श्री रवि कपूर जी, सीईओ संसद टीवी तथा उनके समस्त सहयोगी गणों का भी साधुवाद करना चाहता हूं, जिनकी सोच, नियोजन तथा अथक परिश्रम का ही परिणाम है संसद टीवी। इसके लिए वे बधाई एवं शुभकामनाओं के पात्र हैं। महानुभावों एवं देवियों, संसद टीवी आपका है, इससे अपना जुड़ाव बनाए रखने की कृपा करें, इसे अपना आशीर्वाद देते रहें, तभी माननीय प्रधानमंत्री जी की उस सोच कि संसद में ऐसी टीवी चैनल की स्थापना हो जो संविधान एवं संसद को जनता के द्वार तक ले जाने में निष्पक्ष, कुशल एवं प्रामाणिक वाहक बन सके, और जिस परिकल्पना को माननीय सभापति राज्यसभा तथा माननीय अध्यक्ष लोकसभा ने अपना पुरजोर समर्थन तथा मार्गदर्शन दिया को मूर्त रूप दिलाने में सफलता मिल सकेगी। आज इस अवसर पर पधारने के लिए पुनः आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद। मैं सभी गणमान्य अतिथियों से अनुरोध करूंगी कि माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के प्रस्थान तक आप अपने अपने स्थान पर ही रहें।